इस बार मुझे पहली बार बंगबा शंख की पूजा में सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त हुआ। हर साल नवंबर में पूर्णमासी की रात को जागरण होता है और दूसरे दिन पूजा की जाती है। चौदास वैली के सभी 14 गांव के लोग इस पूजा में सम्मिलित होने के लिए आते हैं। ये ऊपर खींचा जी क्या कोई ये मंदिर में आ रहे ऊपर ऊपर टाइट खींचे एक बार उसमें अटका दो था हाँ वही अच्छा ये कब से कर रहे हैं आप ये 2005 से लगातार जो है शिवसेना की सेवा में हमारे शिवसेना के भक्तों के द्वारा जो है लगातार 2005 से चल रहा है हाँ। और इसमें बढ़ चढ़ कर के लोग जो है सहयोग करते हैं और इस बार 2021 का भंडारा जो है श्रीमती दशरथी खैर ग्राम सभा सिरखा की ओर से आयोजन किया जा रहा है। क्या क्या बनाते हैं इसमें आप लोग? हम लोग इसमें छोले बनाते हैं, पूरी बनाते हैं, भटूरे बनाते हैं और स्वीट डिश में खीर वीर बनता है, हलवा बनता है और ज़्यादा कुछ नहीं, यही है। आयोजन चल रहा है, ठीक ठाक हो रहा है। अच्छा, कितने लोग कितने लोगों को लगा रखा आपने इसमें? अभी ये हमारे 6 तो कारीगर की टीम है, 9-3-4-4-5 लेबर है, 6 लेबर है। अच्छा, मैं थोड़ा सा इसको कवर कर रहा हूँ। आप लोग रहने वाले कहाँ के हैं? गलाती से। अच्छा, एक पहली बार आ रहे हैं यहाँ या इससे पहले कब से आ रहे? भी आए थे, दो चार आदमी पहले के हैं और एक दो आदमी नए हैं। अच्छा, क्या क्या चीज़ बनाते हैं इसमें आप लोग यहाँ? आज जो है कि छोले भटूरे हैं और पूड़ी हैं और खीर है। अच्छा, ओके, ठीक है। बंगबा शंख के दरबार में जाने के लिए ये सर्वप्रथम गेट है। चौथ गांव के लोग आके यहाँ पर धूनी जमा के सभी लोग पूजा अर्चना करते हैं। ये भंडारा स्टार्ट हो गया अभी हैं, लोग जो है ना भंडारा लेने के लिए खाने के लिए आ गए हैं।
शेख साहब जो है ना भंडारा का प्रसाद लेते हुए, यही ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के हेड हैं श्री राम सुनिया की जी। नीरज आना लग गया, नहीं कैसा लग रहा है? बढ़िया बढ़िया लग रहा है, भंडारा बढ़िया चकाचक। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। सोसा विलेज, ये सारे सामने से, और प्राकृतिक छटा ये दारचूला एरिया आगे वाला पूरा, और ये नमजुंग साइड वाला एरिया, ये सारा जो है ना कवर कर रहे हैं पूरा प्राकृतिक छटा। देखिए क्या सुहावना है, बिल्कुल मन करता है यहीं बस जाए। करके आना पड़ रहा है, और जिस वजह से नहीं तो हर जो है ना चौदास के लोग अपने शंसे पूजा में अवश्य आते हैं सरदास के साथ और देश प्रदेश से। इस बार थोड़ी जो है ना कमी, लोगों की कमी इसीलिए नज़र आई कि रोड्स ठीक नहीं है, हर आदमी नहीं पहुंच पाता है। रोड अगर ठीक हो, ट्रांसपोर्टेशन ठीक हो, तो आदमी जो है ना इजीली पहुंच सकता है, जिस वजह से थोड़ा सा स्ट्रेंथ इस बार कम था। मैं सौभाग्यवान रहूं और भाग्यवान हूं, इस बार मुझे भी जो है ना दर्शन करने को मौका मिला। मैं पहली बार आया था यहाँ शंकर पूजा में, मेरी इच्छा थी बहुत पहले से, बट किसी कारणवश मैं नहीं आ पाया, और इस बार मुझे जो है ना बहुत अच्छा लगा कि बहुत बढ़िया दर्शन हुआ। दारचूला वापस आकर काली नदी को देखते हुए मुझे यह मधुर गीत याद आ गया। काली गंगा को कालो पानी, गैलो गैलो छैलो छैलो, है जुनाली रात माँ, है जुनाली रात माँ। कुछ यूं रहा मेरा इस बार का सफर। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अब जल्द ही मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।